सभी स्कैमर हैं और आपका ट्रेडिंग से भरोसा उठ चुका है, यही सोच रहे होगे आप। चलिए एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्या आपका ट्रेडिंग से भरोसा उठा है या फिर आपके पास एक और एक्सक्यूज आ गया है मेहनत नहीं करने का। देखिए स्कैमर्स हैं, स्कैमर्स कहाँ नहीं है, ट्रेडिंग में है, क्रिकेट कोचिंग में है, एजुकेशन में है, IIT की कोचिंग में है, IAS की कोचिंग में है, ये तो खैर कोचिंग इंडस्ट्री हो गई। आप पॉलिटिक्स जो आपको रूल कर रहे हैं उसमें है, बिजनेसेस में स्कैम है, स्कैम हर जगह है। यहाँ पे बस अभी निकल के आ रहा है और थोड़ा ज़्यादा फेमस हो रहा है, विच इज़ गुड। स्कैमर्स की तो लगनी चाहिए, कोई डाउट नहीं है उसमें, लेकिन एंड ऑफ द डे बात आपकी है। स्कैमर्स की लगे तो लगे, कहीं आपकी तो नहीं लग जा रही, और आपसे बढ़ के कहीं आपके सपनों की तो नहीं लग जा रही। देखिए जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी, ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मुझे अपना पहला ब्रेक ड्रॉप शिपिंग में मिला था, मैंने पहला सेल जब किया था, उसके पहले तक मुझे याद है हर जगह सर मारता फिर रहा था कि क्या करूं, कहां से पैसा आएगा। एड्स किए, पेजेस चलाए, बहुत कुछ ट्राई किया, लेकिन जिस तरह के पैसे चाहिए थे वो आ नहीं रहे थे। तो जब तक ड्रॉप शिपिंग नहीं मिला था तब तक भाई हर जगह सर मार रहा था। और आई थिंक आप भी कहीं ऐसे ही फंसे हुए हो कि भाई स्कैमर से प्रॉब्लम नहीं, हमारा तो ट्रेडिंग से भरोसा उठ गया कि कहीं ट्रेडिंग से पैसा बनता है कि नहीं। वेल सेम चीज मेरा ड्रॉप शिपिंग के साथ अगर हाल होता कि भाई सब कोचेस स्कैमर निकलते, जो कि अभी भी है, ड्रॉप शिपिंग इज अ स्कैम ऐसे बोलते हैं, लेकिन जब तक मैंने खुद नहीं किया, खुद नहीं कमाया, तब तक भरोसा नहीं हुआ। अब आप एक स्टेप पीछे लेके देखो और ये इमेजिन करो कि अगर आपको लेट्स से 3 महीने 6 महीने हो गए ट्रेडिंग में, ठीक है, थोड़ा बहुत आप जानते हो, और जिस टाइम पे आपने प्रॉपर रूल्स प्रॉपर डिसिप्लिन को फॉलो किया है, क्या आपके रिजल्ट्स नहीं आए? जरूर आए होंगे, जाके अपने खुद के रिजल्ट्स एक बार चेक करिए। सक्सेस तो आपने ट्रेडिंग से कहीं ना कहीं पा ही ली होगी, जाके जरूर देखिएगा इसको। अब बात बस इतनी है कि क्या स्कैमर के आने से आप एक एक्सक्यूज दे सकते हो खुद को कि भाई ये सब तो स्कैम है, हम ना कर पाएंगे, ये मुझे तो लगा ही था, हम तो ट्रेडिंग ठीक ठाक ही कर रहे हैं लेकिन ट्रेडिंग ही स्कैम है। ये एक एक्सक्यूज होता है। जब मैं भी एक लूजर हुआ करता था ना, मैं भी खुद को ऐसे एक्सक्यूजेस देता था। देखिए मेरे भाई, ट्रेडिंग काम करती है, ऑप्शन सेलिंग भी करता है, ऑप्शन बाइंग भी करता है, फ्यूचर्स भी करता है, इक्विटी, सब चीज में ट्रेडिंग कर सकते हो आप। बात बस रूल्स की है, बात बस आपको ग्रीड हैंडल करने की है। अब ज्यादा ग्रीडी मत हो, ट्रेडिंग आसान हो जाएगी, लेकिन पूरा खेल तो वहीं पे आके रुक जाता है। हम हो जाते हैं ग्रीडी, पैसे अपने पास 5-10 हज़ार रुपए, कमाना है हमें लाखों करोड़ रुपए। अब इस पॉइंट पे सोचने की बात यह आ जाती है कि इस छोटे से अमाउंट से उतना बड़ा ग्रोथ पॉसिबल है, क्या हमें सपने नहीं देखने चाहिए ऐसे? हाँ एंड ना, पॉसिबल है लेकिन बहुत मुश्किल है। इतू से कैपिटल से उतना ग्रो करना बहुत ज्यादा मुश्किल है दोस्तों। सो खेल क्या है? खेल बस इतना है कि ये सब स्कैमर वैमर की बातें तो चलो ठीक है, एज एन एंटरटेनमेंट आप इसको ट्रीट करो, इट इज ग्रेट कि सारे बस्ट हो रहे हैं, बट रियलाइज कि दिस इज कलयुग, यहां पे स्कैमर से ही भरी हुई है दुनिया। आसपास देखो ना, पड़ोसियों को देख लो, हर कोई आपको स्कैमर ही मिलेगा, नहीं भी है तो लगेगा ही स्कैमर है, बस हम खुद को झांक के नहीं देखना चाह रहे। तो देखो ये वीडियो मुझे स्कैमरों को बस्ट करके, वो ऑलरेडी करने वाले बहुत लोग हैं, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इंटरेस्ट है आपके सपने बचाने में भाई, ठीक है। आप चाहो तो ये भी सोच लो कि जिसकी आप वीडियो देख रहे हो वो भी स्कैमर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी लाइफ चेंज नहीं हो जाने वाली उससे, आपकी लाइफ बहुत चेंज हो जाएगी। लेकिन आपको किसी पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए मैं आपके पास एक बैक टेस्टिंग की वीडियो ले आऊंगा, डोंट वरी, इसी वीक एक बैक टेस्टिंग की वीडियो आ जाएगी जहां पे आप कोई भी सेटअप को बैक टेस्ट करके देख सकते हो, जहां से आपको खुद ही पता चल जाएगा कि भाई चलो स्कैमर है नहीं है उसे फर्क नहीं पड़ता, अगर सेटअप काम कर रहा तो हम तो पैसे बना लेंगे, बस प्रॉपर रूल्स और डिसिप्लिन फॉलो करना है। सामने वाले का छोड़ो और जरा खुद में देखो कि खुद में आप क्या क्या चेंजेस कर सकते हो। अगेन मैं वही घिसीपिटेड चीजें आपको बता देता हूं, ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है थोड़ा सा प्राइस एक्शन सीख लो, थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट सीख लो, थोड़ा सा डिसिप्लिन सीख लो, और ओवर ट्रेड मत करो, और जिस दिन ओवर ट्रेड कर लिया उसके अगले 1-2 दिन या 1 हफ्ता कुछ भी ट्रेडिंग मत करो, क्योंकि भाई ये लंबा रेस भागना है आपको, एक दिन में पैसे नहीं कमाने। 10,000 है तो भाई बेगर्स आर नॉट चूजर्स, आपको एकदम स्पेसिफिक ट्रेड्स लेने होंगे,
इनफैक्ट अगस्त का पूरा महीना ही हॉरेबल था ऑप्शन बाइंग के लिए, स्पेशली विद अ स्मॉल कैपिटल। अभी सितंबर की शुरुआत भी कुछ वैसे ही हुई है। जब तक मार्केट रेंज में फंसा रहता है, डू नॉट ट्रेड। मार्केट रेंज से निकला, ट्रेडिंग चालू करो। महीने में आपको हार्डली 4 से 5 ऑप्शन बाइंग के ट्रेड मिल जाएंगे, करना है करो। लेकिन उससे ज्यादा का अगर आपको ग्रीड चाहिए, ये देख रहे हो आपकी भाई ये यूट्यूबर तो इधर कमा रहा है, ये लाइव स्ट्रीम पैसा कमा रहा है, ये उधर स्कैल्प कर रहा है, ये उधर ये कर रहा है, भाई साहब सब छोड़ो। डोंट थिंक कि आपको आज के आज ही बहुत अमीर बनना है, ये सोच ही आपको ले डुबाती है। इस सोच से निकलो और सोच अपनी कुछ ऐसी कर लो कि भाई मुझे अपने आप को 2 साल देने, बस जस्ट ये डिसाइड करके देखो कि मैं अपने आप को 2 साल देता हूं, और देखना कैसे ये छोटे छोटे लॉसेस से आपको फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। जिस दिन आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे अपने आप को लंबा टाइम देना है, जितना छोटा टाइम आप देते हो उतनी आपकी ये गलत फहमियां, स्ट्रेस, ये सब बढ़ते रहता है। अब माजला ये है कि भाई स्कैमर तो है, हम कैसे डिसाइड करें कि सीखना किससे है? देखिए, देयर इज नो रियल वे टू अंडरस्टैंड किससे आप सीख सकते हो। ये इंटरनेट है, आपको अगर फ्री में सीखना है तो भाई इनफैक्ट पैसे दे के भी आप डिसाइड नहीं कर सकते किससे सीखना है। हो सकता है सामने वाला बंदा एक्सेलेंट ट्रेडर हो, लेकिन अगर वो एक्सेलेंट ट्रेनर ना है तो कोई फायदा नहीं। गैरी कर्स्टन वॉज नॉट अ ग्रेट बैट्समैन, लेकिन भाई कितने सारे ट्रॉफीज जीता है इंडिया को वर्ल्ड कप में, राइट? ही वॉज अ ब्रिलियंट कोच, नॉट द ग्रेटेस्ट बैट्समैन। इतने सारे ICC ट्रॉफीज कौन सा कोच जिता सकता है? सो डिसीजन आपका सिंपल है, आपको बस काफी सारे वीडियोस देखने हैं ट्रेडिंग के आसपास। देखो जिसका आपको जम रहा है उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके देखो, रियल पैसे मत लगाओ, अप्लाई करके देखो। आप सोचोगे यार इसमें तो बहुत टाइम जाएगा, टाइम ही तो जाएगा ना यार, शुरुआत में आप क्या पैसे लूज कर सकते हो? नहीं ना। अगर पैसे लूज कर सकते हो तो पैसे डाल के देखो और जल्दी सीख जाओगे, अगर पैसे नहीं है तो टाइम डाल के देखो। देखिए इलॉन मस्क को बिलियनियर बनने के लिए 41 या 42 इस एज में इलॉन मस्क बिलियनियर बना था, उसके पहले ही वॉज नॉट। कर्नल सैंडर्स KFC के, ही वॉज अ बिलियनियर, या फिर उन्होंने बिजनेस की शुरुआत ही की थी 60s में। सो डोंट कंपेयर योर लाइफ टू समबडी एल्स। आप किसी और से रेस नहीं लगा रहे हो, आप अपनी जिंदगी से रेस लगा रहे हो। आपको ऊपर वाले ने सर्टन कंडीशंस के साथ पैदा किया है, उन्हीं कंडीशंस में आपको भाग भाग के आगे पहुंचना है। किसके आगे पहुंचना है? खुद के आगे पहुंचना है, किसी और के आगे नहीं पहुंचना है। तो ये माइंडसेट लगाओ दिमाग में कि ठीक है भाई, मेरे को रेस जो लगानी है अपने से लगानी है। कैसे लगानी है? राइट नाउ व्हाट डू आई हैव? मेरे पास पैसे है? नॉट रियली, पैसे तो नहीं है। क्या मेरे पास स्किल्स है? नॉट रियली, बट सीख रहा हूं। स्किल्स कैसे सीखूं? क्या है मेरे पास? मेरे पास टाइम है, मेरे पास दिमाग है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, सीखो यार। और ये नहीं बोल रहा कि ट्रेडिंग से ही सीखो, बहुत सारे तरीके हैं आपको सीखने के, बिकॉज एंड ऑफ द डे मैं जानता हूं आपको ट्रेडिंग से कोई मतलब नहीं, आपको पैसे कमाने से मतलब है, ट्रेडिंग बस एक तरीका है। इसी तरह के बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको कीवर्ड्स बता देता हूं, ट्राई करके देखो। ड्रॉप शिपिंग है, AI का आप कॉपीराइटिंग कर सकते हो, AI के यूज करके कॉपीराइटिंग, नॉर्मली कॉपीराइटिंग कर सकते हो। कॉपीराइटिंग क्या है? जस्ट जो आर्टिकल्स लिखे रहते हैं ना, जिसको पढ़ के लोग खरीदते हैं चीजों को, ये है बहुत पैसे कमाने की चीजें। फेसबुक पे एड्स कैसे रन करना ये सीखो, इंस्टाग्राम पे कंटेंट कैसे क्रिएट करना ये सीखो। ये सारी चीजें आप सिर्फ एक लैपटॉप और इंटरनेट के थ्रू कर सकते हो, इसलिए बता रहा हूँ। करने के लिए तो इसके अलावा बहुत कुछ है, इंडिया में इतने बिजनेसेस आप चला सकते हो, क्या बताऊँ मैं आपको। ठीक है, ऑनलाइन नहीं भी करना, ऑफलाइन कुछ बिजनेस ढूंढो। अरे पान की रेडी डाल दो यार, मतलब कोई धंधा छोटा बड़ा नहीं होता, जस्ट आपका दिमाग वहां पे मैटर करता है। होटल्स पहले भी थे, रितेश अग्रवाल ने ओयो रूम्स का खाली क्रिएट करके होटल्स का एक्सेस आसान कर दिया, दैट्स इट, एंड ही इज अ बिलियनर नाउ। सो एंटरप्रेन्योरशिप इज इंपॉर्टेंट, आप खुद का कुछ करो, बिकॉज आप ये वीडियो देख रहे हो इसका मतलब ही एक छोटा सा नीश है, 200,000 चैनल है बस, दैट्स अ छोटा सा नीश में आप ये वीडियो देख रहे हो, मेरी कुछ बात पहले पसंद आई होगी, या फिर आप एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्टेड हो, या फिर खुद से पैसे कमाने में इंटरेस्टेड हो, आई थिंक दैट्स योर गोल। और अगर ये गोल है तो उस गोल को मरने मत दो जस्ट बिकॉज यू फाउंड आउट द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड कि हाँ भाई कुछ लोग स्कैम कर रहे हैं। और जो कर भी रहे हैं ना, जरा गौर से देखना कौन कितना स्कैम कर रहा है एंड व्हाट इज द रियल प्रूफ। खाली तो वीडियो देख लिया किसी का, 4-10-20 लोगों ने बोल दिया, इसको मान मत लो, खुद की रिसर्च करो। हाँ यार ये है, अच्छा यहाँ पे ऐसे बताया तो ये ऐसा है, खाली छोटी सी क्लिप देख के हम नहीं मान लेंगे, हमने पूरी वीडियो देखी, हमने खुद का डिसीजन लिया है। That is what you have to do with all the kinds of educational videos that you see. पूरी वीडियो देखो फिर डिसाइड करो, कोई शॉर्ट वीडियो देख के एक लाइव में 2-4 ट्रेड लेके किसी पे ऐसे भरोसा मत कर लो, मुझ पे भी नहीं, कोई जरूरी नहीं है।
यू आर एन इंडिविजुअल, यू हैव योर ओन ब्रेन, खुद का दिमाग है आपके पास। अंधा भरोसा करने के लिए आंखें नहीं दी है आपको। और हाँ, अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है, हियर आर माय फ्यू रिकमेंडेशंस, आप मेरे चैनल पर जाके कंप्लीट प्लेलिस्ट फ्रॉम बेसिक्स सीख सकते हो कि शुरुआत कैसे करनी है ट्रेडिंग की, आगे कैसे जाना है, कंप्लीटली फ्री। कुछ पेड आएगा वो भी कर लेना, बट पहले फ्री से कमा लो, फिर पेड करने का मन करे करना, नहीं करने का मन करे यूट्यूब पे सब फ्री में अवेलेबल है। कोई भी पेड कोर्स में कोई ऐसा अजूबा इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल जाएगा। द ओनली थिंग इज किसके बताने का तरीका आपको यहाँ पे लग रहा है और यहाँ पे घुस रहा है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड, दैट्स इट। बिकॉज अगर यहाँ पे बात नहीं लगी तो आप मानोगे नहीं, यहाँ पे बात नहीं लगी तो आप जानोगे नहीं। ये दोनों चीजें अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, राइट? सो ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका है, आपको कंप्लीट वीडियोस मिल जाएंगे हाउ टू ट्रेड, स्टार्ट करके यूट्यूब पे सर्च करो। दूसरा तरीका, प्राइस एक्शन फुल कोर्स फ्री, ये सर्च करो, सब मिल जाएगा। बस अगर आप जान गए, पहचान गए, थोड़ी सी मेहनत कर ली आपने, पूरा की है, अपने आप को बोलना कि भाई मेरे पास 2 साल है, 2 दिन नहीं, सारा गेम बदल जाएगा, पूरा माइंडसेट चेंज हो जाएगा। आज के आज नहीं कमाना, कल के कल नहीं कमाना, आई एम एन अमेजिंग ट्रेडर, आई ट्रेड वेल, आई टेक द सेफ ट्रेड्स, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट से करूंगा। आप कर सकते हो, खुद का PNL जाके देखो, लॉसेस बड़े, प्रॉफिट्स छोटे, लेकिन लगातार हो रहे होंगे, दैट मीन्स ट्रेडिंग आपको आती है, बस आप लॉस हैंडल नहीं कर पाते। ये सारी चीजें हो चुकी है यार, सब करते हैं, आप भी कर रहे होगे, इससे निकलना भी उतना ही आसान है जितना इसमें घुसना पॉसिबल है। थोड़ा सा दिमाग को सही करना पड़ेगा, उसके लिए मेरी साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट देख लो भाई। मेरा चैनल में खुद की एडवर्टाइजिंग करूंगा ना यार, मैं दूसरे का तो नहीं बता सकता, आपको देखना, आप जाके देखो, बहुत सारे चैनल्स है, बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, जाके देखो, फ्री में सब कुछ अवेलेबल है। जो स्कैमर है, नहीं है, किसी का भी वीडियो देखो यार, बात सब सही कर रहे हैं बस कुछ लोग अपना PNL एडिट करके आपको उस मार्केट में बुला लेते हैं। मेरी इच्छा है, वो लोग एडिट कर रहे हैं और आपको हम बुला रहे हैं और हम आपको एजुकेट करते जा रहे हैं। मेरा सिंपल सा फंडा स्टार्टिंग से, ना PNL दिखाओ ना PNL की बातें करो, बिकॉज मार्केट में प्रॉफिट एंड लॉस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सही ट्रेड लिखना।